नमस्कार दोस्तों, करेडे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेडे। फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो का एक कमाल का टॉपिक ये है कि स्कूल कॉलेज तो अब बंद हो गए। देखो, बहुत सारी जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद हो गए क्या, तो क्या अब लॉकडाउन होने वाला है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, स्कूल कॉलेज तो बहुत जगह ऑब्वियसली बंद हो गए हैं, बहुत सारी जगहों पर बंद होने के कगार पर हैं। जहाँ नहीं बंद हुए हैं वहाँ भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड का टाइम बहुत ही टफ टाइम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस चीज़ से डील करना सीखना होगा। जो डील होता है उस चीज़ से जब तक आप डील करना नहीं सीखोगे, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो आप घर पे पढ़ाई करिए, अपने जो भी भाई बहन मम्मी पापा जिससे भी हो सकता है आप पढ़ाई करिए, जो भी आपके बड़े हैं उनसे गाइडेंस जरूर लीजिए कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आगे करना है। अब रही लॉकडाउन के बाद, देखो लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन कि लॉकडाउन किया जाए, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे महाराष्ट्र दिल्ली है ऐसी जगहों पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो मे बी लॉकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। हम लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोविड एक ऐसी सिचुएशन है कि नहीं कि कोविड से भागना है, कोविड के साथ जीना सीखना होगा। और कोविड के साथ जीना सीखने के लिए आपको अपने अंदर पेशेंस की ज़रूरत होगी। चीज़ें हैं नॉर्मल नहीं होंगी सारी चीज़ें जिस तरह से आप नॉर्मल समझते हैं, तो ऑब्वियसली लॉकडाउन भी हो सकता है, उसमें आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, उसमें भी आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं। स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं बहुत सारी जगहों पर, जहाँ पर नहीं हुए हैं वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है कि बंद कर दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर नहीं हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में अभी बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम थे, चाहे CBSE बोर्ड के, चाहे UP बोर्ड के, चाहे किसी भी बोर्ड के, ISSC बोर्ड के, सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो वो भी आप के लिए एक प्लस पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, क्योंकि कोविड का सिचुएशन ऐसे में डील करना इतना आसान नहीं। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो अभी मेरी रिपोर्ट ठीक ठाक आ गई है, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूं कि देखो, अब स्कूल और कॉलेज प्रॉपर बहुत सारे स्टेट, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगहों पर स्कूल और कॉलेज परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। और ये लंबा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि लंबा नहीं जाएगा, ये लंबा भी जा सकता है। और कॉम्प्लिकेटेड हुई तो लॉकडाउन भी होगा, तो लॉकडाउन अगर होता है तो उस तरह से चीजें काम नहीं करेंगी जिस तरह से आप चाहते हो। तो वो डील आपको अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, किस तरह से उस सिचुएशन से डील करना है, किस तरह उस सिचुएशन में रहना है, तो वो सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। स्टूडेंट है तो बहुत सारी चीजें हैं, डिजिटल मीडिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं डिजिटल मीडिया पे आए, डिजिटल मीडिया को मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जो काम आप अमेरिका में कर सकते हो वो काम आप घर बैठे इंडिया में भी कर सकते हो। तो डिजिटल मीडिया इतना पावर है, डिजिटल मीडिया का इतने डिजिटल मीडिया में इतनी पावर है कि आप उसका यूटिलाइजेशन करिए। और होप कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। और आप सब लोगों को क्या लगता है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहाँ पे स्कूल खुले हैं, कहाँ पे नहीं खुले, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।